बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर राजकुमार राव की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मेंटल है क्या। इस फिल्म के अलग अलग लुक जारी किए गए हैं दोस्तों, अलग अलग पोस्टर्स निकल रहे हैं जिसमें दोनों ही बहुत ज्यादा शानदार, टेरिफिक और डरावने लग रहे हैं। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है बालाजी टेलीफिल्म्स, यानी कि हमारी टीवी शो क्वीन एकता कपूर। एकता कपूर ने दोस्तों फिल्म की जब स्क्रिप्ट सुनी, फिल्म की जब कहानी उन्हें समझ में आई, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है फिल्म बता दूं आपको मैं, तब उन्होंने इसका नाम डिसाइड किया कि रखते हैं मेंटल है क्या। अब दोस्तों ऐसे में इस नाम से, इस शब्द से, पर्टिकुलर शब्द से, मेंटल से, खान ब्रदर्स थोड़े से खफा हो गए। मैं बात कर रहा हूँ सलमान और सोहेल की। आपको बता दूं कि अंदर के सूत्र क्या कह रहे हैं, वो ये खबर लाए हैं कि सोहेल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये कहा है कि एकता ने कभी भी मुझसे इस नाम को लेकर, इस पर्टिकुलर शब्द को लेकर, मेंटल को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की, ना ही मुझसे ये शब्द मांगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे होंगे सोहेल, चलिए किस्सा बताता हूँ। दरअसल जब फिल्म आ रही थी जय हो, जय हो का जो पहले टाइटल था सोहेल ने सोचा था वो था मेंटल, और उन्होंने ये शब्द को, पर्टिकुलर शब्द को रजिस्टर करा दिया। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अब सोहेल ने इस फिल्म का नाम रख दिया जय हो, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर खान चाहते थे कि ट्यूबलाइट का नाम जो है मेंटल रखा जाए, लेकिन उन्होंने भी नाम चेंज करके ट्यूबलाइट रख दिया। ठीक है, अब ये जो नाम है SKF के अंडर था, यानी कि सलमान सोहेल की जो कंपनी है SKF उसके अंडर था, तो वो कभी भी यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर टीवी सोप क्वीन एकता कपूर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, समझी, तब उन्हें लगा कि मेंटल है क्या प्रॉपर जो ये नाम है ये सूट करेगा फिल्म को और टाइटल के जो स्टोरी है उसे जस्टिस करेगा। लेकिन सोहेल खान ने तो मना कर दिया इंटरव्यू में, बोला है कि एकता ने कभी नहीं पूछा ना ही मांगा। तो सोहेल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। आपको बता दूं कि सोहेल ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली है। अब दोस्तों फ्यूचर में देखेंगे कि इन दोनों के रिलेशनशिप क्या बिगड़ेंगे या सुधरेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इसे एक पॉजिटिव नोट में लिया जाए, सोहेल को जो है फिल्म की कहानी सुन के उनको शब्द का है, शब्द ही तो है, कोई नहीं, पॉजिटिव वे में लो यार, नेगेटिविटी नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस चीज़ को नेगेटिविटी में लेना चाहिए या फिर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइए। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।